गाइस वेलकम टू आईपीएल 2024 स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। हर तरफ मयंक यादव की चर्चा हो रही है। मयंक यादव ने इस आईपीएल सीजन में आरसीबी के खिलाफ मैच में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। मयंक यादव 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रातों रात स्टार बन गए। मयंक यादव लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी खबर मयंक यादव की फिटनेस पर बड़ा अपडेट है। क्या है पूरी जानकारी बताता हूँ, दो मिनट में फुल डिटेल्स दे दूंगा। बस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आप आपकी फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आईपीएल के पहले दो मैचों में क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने पेट के निचले हिस्से में चोट के कारण लगभग 3 सप्ताह के आराम के बाद नेट्स में गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के सहायक कोच श्रीधरन श्रीराम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि वह फिर से खेलने के करीब है। दिल्ली के 21 साल के तेज गेंदबाज ने लगातार 3 विकेट लिए और लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सभी को हैरान कर दिया, लेकिन तीसरे मैच में वह चोटिल हो गए। वह साइड स्ट्रेन के कारण पूरा रणजी ट्रॉफी सीजन नहीं खेल पाए। श्रीधरन श्रीराम ने शुक्रवार को कहा, वह आज नेट्स पर गेंदबाजी कर रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि वह आज के बाद कैसी गेंदबाजी करते हैं। वह दोबारा खेलने के काफी करीब है, इसकी उम्मीद थी। मैं पिछले 1 महीने से उनके साथ काम कर रहा हूँ। वह बहुत परिपक्व दिखता है और वह अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता है, जो एक युवा तेज गेंदबाज के लिए बहुत अच्छा है। मयंक यादव लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। मयंक यादव जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज को जल्द ही टीम इंडिया में मौका मिलने की संभावना है। मयंक यादव को आईपीएल 2022 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच आज का रोमांचक मुकाबला कौन जीतेगा, अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम में लगातार वीडियो हम आपके लिए मां पर डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।